आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से इंतखाबात की बात करते हैं। पीटीआई रुकने सिंध असम्बली फिरदौस शमीम नकवी की जानिब से बैलेट बॉक्स सील तोड़ने का ये मामला है। इलेक्शन कमीशन ने मामले पर सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से फौरी तौर पर रिपोर्ट तलब कर ली है। वकार सैयद ने हमें ज्वाइन किया है। वकार, क्या मामला था ये? जी बिल्कुल, जो पीटीआई के रुकने सिंध असम्बली है फिरदौस शमीम नकवी, जो साबिक अपोजिशन लीडर भी थे, उनकी जानिब से जो है वो जो यूसी दो का जो बैलेट बॉक्स है उसको, उसके सील को जो है वो तोड़ा गया, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने उसका नोटिस लिया। और इलेक्शन कमीशन ने जो फिरदौस शमीम नकवी जो रुकने सिंध असम्बली है उनको पोलिंग स्टेशन से बेदखल करने का भी हुक्म दिया, जबकि इलेक्शन कमीशन ने जो अपने जारी बयान में कहा कि ये गैर कानूनी हरकत और जाते अखलाक की जो है खिलाफ वर्जी है। जबकि इलेक्शन कमीशन ने मामले पर जो है वो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से भी फौरी जो है वो रिपोर्ट तलब कर ली, जबकि इलेक्शन कमीशन इस मामले पर जो है वो मजीद कार्रवाई का भी इरादा रखता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वकार, आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने मामले पर सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। पीटीआई रुकने सिंध असम्बली फिरदौस शमीम नकवी की जानिब से बैलेट बॉक्स की सील तोड़ने का ये मामला है, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से फौरी तौर पर रिपोर्ट तलब कर ली है। तो पीटीआई रुकने सिंध असम्बली फिरदौस शमीम नकवी ने बैलेट बॉक्स सील को तोड़ा था, जिस पर रिपोर्ट तलब कर ली गई है।